नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ये COVID-19 के चक्कर में जो हमारे बच्चों का हाल बेहाल हो रहा है ना, इस बात पे लेकर के कि जो प्रॉब्लम हमने फेस की है, जो मैंने महसूस की है चारों तरफ, आज मैं आपके साथ वही डिस्कशन करने आई हूँ। COVID-19 जब से स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, वाकई परेशानी की बात तो बन ही गई है, एक टेंशन सी रहती है, लेकिन फिर भी लोगों ने उसके बीच में जीना तो सीख लिया। हम बड़े हैं, एहतियात बरतते हैं, केयरफुल रहते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप भी मानेंगे कि हाँ, वो वाकई हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। वो है हमारे बच्चों का भविष्य, बच्चों का हाल बेहाल होना। ठीक है, चारों तरफ से परेशानियां हैं, हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन जो हमारी नींव है, जो हमारे देश की नींव है, हमारी अपनी नींव है, वो हमारी बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। हाल बच्चों का सबसे ज्यादा खराब होता जा रहा है, तो उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर निकालना होगा जो उन बच्चों का ये समय ये बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। इस COVID-19 के चक्कर में हमारे बच्चों की जो स्कूल्स हैं वो बंद हो गए, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, सभी को रिलैक्स हुआ कि चलिए कुछ समय में ठीक हो जाएगा, फिर से चल निकलेंगे, सब कुछ ठीक होगा, काम ऑनलाइन होगा, बिल्कुल होने लगा। लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम सामने आने लगे, बच्चे ऑनलाइन आने लगे। सबसे पहले बच्चों का जो कंसंट्रेशन था वो बिल्कुल एंटायरली चेंज हो गया, क्योंकि जिस चीज से हम बच्चों को बचाते थे मोबाइल फोन से, मजबूरी बन गई हम लोगों को उन्हीं को मोबाइल देना। छोटे छोटे बच्चे जो प्ले नर्सरी इन क्लासेस में आने थे प्रैप वगैरह में, वो बच्चे मोबाइल से क्या सीखेंगे? जिन बच्चों की बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज थी वो घर में ही रह रहे हैं, जिनके वो डिसिप्लिन नाम की चीज उनके जीवन में नहीं आनी है, आखिर ये सब क्या होगा? लेकिन जो बच्चे हमारे मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं उनके भी मस्तिष्क पर असर पड़ना स्वाभाविक है। आप भी इस चीज को मानेंगे, थोड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं वो तो ठीक है, अपने टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे, परेशानी तो खैर उन्हें भी हुई है, लेकिन आज वो छोटे छोटे बच्चे जो हमारी आंखों का तारा होते हैं, जो हमारे राज दुलारे होते हैं, आज हमें उनके साथ भी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, हम भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे टीचर की जो बात मान सकते हैं वो पेरेंट्स की या किसी और की नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए टीचर की बात तो सर्वोपरि है। टीचर ने कह दिया कि हाँ ये काम करना है तो एनफ, मम्मी ने कह दिया मम्मी आप तो हाउसवाइफ, आप तो मम्मा मम्मा हो, आप कोई मैडम थोड़ी हो, तो आप ही बताइए उस कंडीशन में बच्चे का डिसिप्लिन भंग हुआ, उस बच्चे का कंसंट्रेशन भंग हुआ, उस बच्चे की रेगुलरिटी मिस हुई, वो किसी भी समय उठ रहा है, किसी भी समय नहा रहा है, किसी भी समय खा रहा है, तो उसका जो वैल्यूएबल टाइम है ना वो बिल्कुल वेस्ट होता जा रहा है। हमारे बीच में लगातार ये पॉइंट्स आते हैं कि हाँ जी लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन हो जाएगा, आता है घूम फिर के फर्स्ट टू एट्थ क्लासेस को ऑफ कर दिया जाए। 9 to 12 तो चल रहे हैं, ठीक है, 9 to 12 बोर्डिंग है, जरूरी है, वो चल रही है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, नर्सरी से लेकर के जो हमारे 8 तक के स्टूडेंट्स हैं, क्या वो बिना पढ़ते हुए अगर ऐसे ही चलते चले जाएंगे, प्रमोट होते चले जाएंगे, तो क्या उनका भविष्य सुरक्षित है? क्या अगली क्लास का प्रमोशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है? हम एवरी ईयर उनका प्रमोशन कर देंगे, स्कूल वाले तो स्कूल वाले पेरेंट्स भी सर पकड़ करके रोएंगे, क्योंकि सबके हाथ में क्या है, प्रमोशन करना मजबूरी होगा, उन लोगों को लगेगा फीस बची है, लेकिन ये नहीं पता हमारे बच्चे का जो बेस है वो बिल्कुल जीरो हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, बिल्कुल डाउन जा रहा है, क्योंकि वही तो कंसेप्ट क्लियर होने होते हैं। ऑनलाइन कितने बच्चे पढ़ते हैं? सरकार ने कहा कि ठीक है टीवी और उसमें आपका पढ़ाई चल रही है, कितने बच्चे उसको अटेंड करते हैं? मेरे ख्याल से 10% भी नहीं, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन भी जब जाते हैं तो इतना उनके साथ छोटे बच्चों के साथ किसी न किसी बड़े को बैठना होता है, किसके पास टाइम है, सब अपने काम में बिजी है, बच्चे को फोन देकर के एक तरफ हो जाते हैं कि ठीक है तुम कर लीजिए, बच्चा कह देता है मैम सिग्नल नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। टीचर उधर से कुछ नहीं कर सकते, बच्चा वहां पढ़ रहा है, टीचर वहां पे समझा रहे, लेकिन वो उठ करके फोन से लगा के चले गए, टीचर को यही नहीं पता कि स्टूडेंट सामने है भी या नहीं है, तो इसलिए इसके प्रति सीरियस होना बहुत जरूरी है। बच्चों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ होने से रोकना होगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस इतने हैं कि कम बच्चों को बुलाया जाए, क्या बच्चे फंक्शंस में नहीं जा रहे, बच्चे पार्टीज में नहीं जा रहे, बच्चे के सड़कों पे नहीं दिख रहे, या बच्चे मार्केट में नहीं दिख रहे, कहाँ बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, या उनके पेरेंट्स वहां होते हैं क्या वो घर पर नहीं आते,
तो बच्चों का हाल बेहाल होने से रोकना होगा। स्कूल के साथ साथ स्कूल वाले तो भी वही करेंगे जो भी प्रशासन का आदेश होगा, लेकिन मेरी उन सभी अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ ऐसा आवाज उठाने की कोशिश करें अब इस चीज में, क्योंकि उनके अपने बच्चे का भविष्य इसके पीछे छिपा हुआ है। तो अगर वो लोग थोड़ा बहुत आगे चलेंगे तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाए, वरना साल बाई साल हो सकता है कि हमें ऐसे ही नियम मानने पड़े और ऐसे ही हमें चुप रह करके बैठ जाना। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने बच्चों का भविष्य, जो हमारे पास गिने चुने बच्चे हैं, जो हमारा जिगर का टुकड़ा है, हमारी शान आन बान है, हमें उन्हें संवारना है, पढ़ाना है, लिखाना है और काबिल बनाना है। जो बच्चे अब पीक टाइम पे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन जो बच्चे हमारे बेस हैं फिलहाल हम उनको बिल्कुल बर्बाद नहीं होने देंगे। और कोशिश करें कि अपने बच्चों के प्रति सिंसियर हो जाएं, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएं, जो बच्चों की ज़िंदगी का हाल बेहाल ना हो। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी चिंता के साथ अगर आपकी भी चिंता मेल खाती हो तो प्लीज़ इस बात में मेरा साथ दीजिए, और आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव भी दीजिए कि इसमें और ऐसा क्या हो सकता है कि हम बच्चों के साथ ये सब होने से रोक सकें। ऐसी ही वीडियो के लिए फिर से मिलते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते रहेंगे बार बार। तब तक के लिए अपने परिवार में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय।